खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैंसर के इलाज की। कैंसर का नाम सुनते ही दिल घबराने लगता है, क्योंकि कहा जाता है कि कैंसर का इलाज है ही नहीं, इसे ठीक किया ही नहीं जा सकता। और तो और कैंसर के इलाज में शारीरिक दर्द के अलावा जेब पर इतना बोझ पड़ता है कि किसी की भी कमर टूट जाए। लेकिन आज हम कैंसर के ऐसे इलाज की बात करेंगे जो धीरे धीरे दुनिया भर में मशहूर हो रहा है। वजह है, इसके इलाज में ना तो दर्द होता है और ना ही ज्यादा पैसा खर्च होता है। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले पेन एंड पैलेटिव केयर सेंटर का अर्थ हमारे दर्शकों को थोड़ा समझाइए, ये क्या है। इसके साथ ही ये भी बताइए कि क्या एलोपैथी या दूसरी पद्धतियों में भी क्या ऐसे सेंटर्स होते हैं? सर, मैं पहले कहना चाहूंगा कि जैसे जब कैंसर होता है तो कैंसर का पता ही हमें सेकंड और थर्ड स्टेज में होता है, तो उस समय मॉडर्न साइंस के अंदर सर्जरी की जाती है, रेडिएशन दिया जाता है, कीमोथेरेपी की जाती है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि पेशेंट जब मेटास्टेटिस में जाता है तो उस समय हमारी जो मेडिसिन है वो फेल हो जाती है। हम जब दोबारा कीमोथेरेपी देते हैं तो पेशेंट उसको सर्वाइव नहीं कर पाता है, और उसके बाद में उसके टिश्यूज के अंदर पेन चालू हो जाता है। और जब पेन जब चालू हो जाता है तो उस समय हमारे पास पैथिडीन और मॉर्फिन की जो मेडिसिन होती है वो हम देते हैं, परंतु वो भी एक स्टेज तक ही पेन को रिलीव करती है। तो हमारी जो इलेक्ट्रोनोपैथी गैंगरेनल फोर्ट मेडिसिन है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम पर के थ्रू वर्क करती है और संबंधित टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन सप्लाई करके उस पेन को 7 से 20 मिनट में ही उस पेन को 50 से 90% रिड्यूस कर देती है। हम ये देखते हैं कि आज पूरे विश्व में लगभग 2 लाख पेन एंड पैलेटिव केयर सेंटर है। इंडिया में भी सेंटर है, परंतु एक स्टेज के बाद में वो सेंटर ये कह देते हैं अपने मरीजों को कि अब आप घर लेके जाइए, और उस समय जो मरीज होता है वो दर्द से तड़पता होता है और मरीज के जो अटेंडेंट परिवार के लोग उसको तड़पते हुए देखते होते हैं। तो उस स्टेज में हमारी जो इलेक्ट्रोनोपैथी गैंगरेनल फोर्ट मेडिसिन है उस पेन को 7 से 20 मिनट के अंदर उस पेन को 80% 90% तक समाप्त कर देती है। तो हमारी इस मेडिसिन में ये क्षमता है। और हम ये भी कहेंगे कि यदि अर्ली स्टेज में यदि हमारे पास पेशेंट आ जाता है, यदि सेकंड स्टेज फर्स्ट स्टेज में, तो वो कैंसर का मरीज क्योरेबल होता है, हम उसको क्योर कर सकते हैं।